हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ बॉलीवुड दिस वीक। मैं अमन अंसारी, आप सभी लोगों का एक और एपिसोड में तहे दिल से हार्दिक स्वागत करता हूँ। क्या हो रहा है मेरा भाई? द वायर ऑफ स्पाई यूनिवर्स, इंडियाज बिगेस्ट फ्रेंचाइजी हैंड्स डाउन। अगर मैं एक था टाइगर जिंदा है, वॉर एंड पठान इनके कलेक्शन मिला लूं तो राइट नाउ हैंड्स डाउन द स्पाई यूनिवर्स इज द बिगेस्ट फ्रेंचाइजी, बीटिंग एवरीथिंग पॉसिबल लेफ्ट राइट मिडिल सेंटर एंड फॉरवर्ड। एंड इसका फ्यूचर जो है वो बाप लेवल का है, विद दिवाली टाइगर 3 कमिंग इन। उसके बाद नारायण जूनियर NTR, ऋतिक रोशन एंड कियारा अडवाणी इन वॉर 2, जिसकी शूटिंग नवंबर एंड से शुरू होने वाली है। एंड उसके बाद द बाप ऑफ ऑल फिल्म्स, द 7th फिल्म इन द स्पाई यूनिवर्स, टाइगर वर्सेस पठान, यानी के दी शाहरुख खान वर्सेस दी सलमान खान। 7 फिल्म्स, द बिगेस्ट फ्रेंचाइजी, नो कॉम्पिटिशन हैंड्स डाउन इन द इंडिया फिल्म इंडस्ट्री इज नदर देन द वायर ऑफ स्पाई यूनिवर्स। इसकी एडिशन में एड होने जा रही है एक 8वीं फिल्म। गाइस, बहुत सारी महिलाएं जो रहती है, यानी कि एक्ट्रेसेस है, आपको थोड़ा एपिसोड समझने की कोशिश करनी होगी। द स्टेपिंग स्टोन टूवर्ड सुपर स्टार्डम इज लार्जर देन लाइफ रोल्स एंड एक्शन रोल्स। हमने देखा किस तरह से ऐश्वर्या राय इन द पीक ऑफ अ करियर, उनको आदित्य चोपड़ा एंड यश चोपड़ा जी ने धूम 2 ऑफर की थी। फैंटास्टिक कैरेक्टर ऑफ सुनहरी, ब्रिलियंट, उनको एक्शन करने मिला, उनको डांस, उनको एक लार्जर देन लाइफ रोल जो है करने के लिए मिला। प्रियंका चोपड़ा की बात कर लीजिए, किस तरह से यहाँ पर जब वो इंडिया यानी कि हमारी फिल्म इंडस्ट्री छोड़कर गई एंड वहां पर जाकर उन्होंने वेब सीरीज की, हॉलीवुड गए, वहां पर इट वॉज अ कम्प्लीट एक्शन अवतार फॉर प्रियंका चोपड़ा। चाहे वो दीपिका पादुकोण लो, XXX यानी कि विन डीजल के साथ उन्होंने फिल्म की, उसके बाद अन्य एक्शन फिल्में की, पठान में एक्शन करते हुए दिखाई दे रही है। तो जितने भी फीमेल सुपरस्टार्स थी, द नेक्स्ट स्टेप टू सुपरस्टारडम वाज एक्शन। लेकिन इन सब में सबसे जबरदस्त एक्शन किसी ने अगर किया एंड परफॉर्म किया, गाइस मेरा आपके ओपिनियंस डिफर कर सकते हैं, आप कमेंट्स में लिख सकते हो, ये मैं अपना पर्सनल ओपिनियन बता रहा हूं। लेकिन इन सब में से सबसे स्मूथली, सबसे क्लीनली अगर किसी महिला ने एक्शन किया है, वो भी इन फिल्मों में, तो वो है कैटरीना कैफ। शी वॉज ब्रिलियंट इन एक था टाइगर है, शी वॉज ब्रिलियंट इन टाइगर जिंदा है, एंड शी इज गोना बी माइंड ब्लोइंग इन टाइगर 3। आई मीन, हु कुड फॉरगेट कमली सॉन्ग फ्रॉम धूम 3। जिस तरह से उनकी एजिलिटी है इज ब्रिलियंट। एंड अब इन सारे एक्टर्स की लीग में जाने वाली है नदर देन आलिया भट्ट। आलिया भट्ट सिंगल हैंडेडली इज वन ऑफ द बिगेस्ट सुपरस्टार्स, फीमेल सुपरस्टार्स इन आवर कंट्री। ओके, यू हेट हर, यू लव हर, बट यू कैनॉट इग्नोर हर। सिंगल हैंडेडली शी कैन गिव अ बिग 100 करोड़ फिल्म। हमने देखा कि सर गंगूबाई काठियावाड़ी में उन्होंने बहुत बड़ी फिल्म हमारे सामने दी। एंड अभी रॉकी और रानी की प्रेम कहानी का सबसे बड़ा USP आलिया भट्ट ही है। देखिएगा इस किस तरह से उनकी ऑडियंस इस फिल्म को देखने के लिए आती है। तो नेक्स्ट स्टेप क्या है? अभी सब कुछ कर लिया, हाँ, उनकी स्टार्टिंग का करियर से स्टार्ट में आलिया भट्ट ने बहुत सारे डाइवर्स डिसीजंस लिए। आई मीन, हू कुड हैव इमेजिन हाईवे जैसी इतनी कॉम्प्लेक्स एंड वाली फिल्म आलिया भट्ट करती है। उड़ता पंजाब इज एन अवार्ड विनिंग परफॉर्मेंस, नो डाउट अबाउट दैट, शी इज ब्रिलियंट इन दैट। चाहे वो गली बॉय ले लो, डियर जिंदगी विद शाहरुख खान इज एन आउटस्टैंडिंग फिल्म। आलिया भट्ट हमेशा से अपने करियर में कुछ ना कुछ अलग करती है। तो आदित्य चोपड़ा ने डिसाइड किया, क्यों ना मैं अपने स्पाई यूनिवर्स, जो कि द बिगेस्ट फ्रेंचाइजी ऑफ इंडियन सिनेमा, उसमें एक बहुत ही जबरदस्त एडिशन करूं। सो गाइस, ब्रेस योरसेल्फ्स, द बिगेस्ट अनाउंसमेंट ऑफ द डे इज दैट द 8th फिल्म इन द स्पाई यूनिवर्स इज गोना बी स्पीयर हेडेड बाय नदर देन आलिया भट्ट। यस फ्रेंड्स, ये फिल्म इस पूरे के पूरे यूनिवर्स में एक नया फीमेल स्पाई एजेंट जो है उसको एड करते हुए दिखाई दे रही है। देखिए गाइस, इतना ही पता चला है कि इट्स अ स्पाई एजेंट, इट्स अ फीमेल स्पाई एजेंट, दिस विल बी पार्ट ऑफ द वायर ऑफ स्पाई यूनिवर्स। एंड जब आप वायर ऑफ स्पाई यूनिवर्स में आते हो, तब आपके रास्ते भैया टाइगर से या पठान से या फिर ऋतिक रोशन से कभी ना कभी तो मिलने ही वाले हैं। तो लेट्स सी गाइस, अभी आलिया भट्ट का जो इंक्लूजन है वो 8वीं फिल्म में है एंड ये फिल्म फ्लोर्स पर 2024 में जाने वाली है। तो अभी सीक्वेंस इस तरह से, ध्यान से सुनो, टाइगर 3 दिवाली में रिलीज होगी। ओके, उम्मीद की जा रही है कि 15 अगस्त यानी कि एक था टाइगर का जो एनिवर्सरी है वहां पर टाइगर 3 का पहला कुछ यूनिट जो है वो रिलीज होते हुए दिखाई दे रहा है। उम्मीदें हैं, कोई कंफर्म यहाँ पर न्यूज है, कोई पक्का पानी नहीं है। नंबर वन, उसके बाद सीक्वेंस ऑफ इवेंट, टाइगर 3 दिवाली रिलीज है, नवंबर में वॉर 2 की शूटिंग, ऋतिक, यू नो, आयान मुखर्जी, कियारा अडवाणी एंड जूनियर NTR है। उसके बाद अगले साल फेब एंड या मार्च 1st वीक में शाहरुख खान वर्सेस सलमान खान,
टाइगर थ्री ह्यूमंगस फिल्म, टाइगर थ्री के बाद टाइगर वर्सेस पठान, सिद्धार्थ आनंद डायरेक्टर कमिंग बैक, उसके बाद 2024 में इन द सेकेंड हाफ ऑफ 2024 आलिया भट्ट इज बिकमिंग अ फीमेल स्पाई इन द एथ फिल्म ऑफ यशराज स्पाई यूनिवर्स। तो बहुत बड़ी न्यूज है। अब देखने लायक रहेगा कि स्टैंड अलोन स्पाई यूनिवर्स फिल्में किस तरह से बिजनेस करती है, क्योंकि अब तक जितने भी आए स्पाई यूनिवर्स इट वॉज अ मेल डोमिनेंट स्पाई यूनिवर्स। यस, टाइगर में जोया इज अ स्पाई, ओके, दोनों भी फिल्मों में थी, लेकिन वॉर वॉज अ कंप्लीट डोमिनेंस ऑफ ऋतिक एंड टाइगर। इवन द टाइगर सीरीज आर अ कंप्लीट डोमिनेंस ऑफ सलमान खान, यानी कि अविनाश का जो कैरेक्टर है, यू नो टाइगर जिसे कहते हैं रॉ में, इवन पठान वॉज अ कंप्लीट डोमिनेंस ऑफ शाहरुख खान। यस, जॉन का रोल था उसमें, दीपिका भी थी उसमें, लेकिन इट वॉज अ शाहरुख खान शो ऑल टूगेदर। तो ये पहली बार होगा जब यहाँ पर वायरस स्पाई यूनिवर्स में इट गोना बी अ फीमेल डोमिनेटेड स्पाई रोल एंड आलिया भट्ट हैज गॉट अ बिग रोल ओवर हियर। भैया हॉलीवुड फिल्म में गैल गैडट के सामने विलन बन गई है भाई, वहां भी एक्शन क्या है, तो आदित्य चोपड़ा सोचे भाई हमारे वहां भी कर लीजिए भाई, तो बहुत बेहतर रहेगा। अरे आदि हमको कब ले रहे हैं भाई स्पाई यूनिवर्स में, हम भी स्पाई बनना चाहते हैं। सर आपको लेंगे, टेंशन मत लो, आपको मेन रोल देने वाला है। भैया बहुत जल्दी दे दीजिए भाई, हम भी स्पाई यूनिवर्स का हिस्सा बनना चाहते हैं। गाइस सो मच, एपिसोड सभी लोगों को पसंद आया होगा, आई एम सुपर एक्साइटेड फॉर द स्पाई यूनिवर्स। क्योंकि गाइस आई डोंट नो व्हाई बट यू नो मेरे को अपनी फिल्में जब ऐसा करती है ना, यस वी नो वी आर इंस्पायर्ड बाय मिशन इम्पॉसिबल, वी आर इंस्पायर्ड बाय मेनी फिल्म्स जो हॉलीवुड में बनती है उनको देखकर ही, लेकिन अब जब मेरे देश में मेरी खुद की इंडस्ट्री ऐसी फिल्में बनाती है ना, तो मुझे अच्छा लगता है। आई वॉन्ट टू गिव अ बूस्ट टू माई फिल्म्स, मैं चाहता हूँ मैं अपने कंट्री की जो फिल्म है ना उसको ज़्यादा इंपॉर्टेंस दूँ। हाँ हम थोड़े पीछे हैं, लेकिन इतने भी नहीं है कि वी कैन मैच दोज लेवल्स, एंड आई एम हैप्पी विद व्हाट वायरस बाय यूनिवर्स इज डूइंग इन टर्म्स ऑफ एक्शन, इन टर्म्स ऑफ स्केल। मेरे लिए मेरी फिल्में इंपॉर्टेंट है, दैट्स इट, दैट्स द बॉटम लाइन। सो मैम अंसारी साइनिंग ऑफ, यू गोना सी मी वेरी सून, टिल देन एज ऑलवेज से